जैसा कि आपको मैं लाइव अपडेट कर रहा हूं कि यहां पे काफ़ी बमबारी हो रही है। ये 30 किलोमीटर अंदर है बॉर्डर से और वहां पे भी काफ़ी बमबारी चल रही है इस टाइम। तो पाकिस्तान इसका भरपूर जवाबी कार्रवाई करेगा और शायद अभी बमबारी काफ़ी रुकी तो है, सब लोग जो हैं काफ़ी मुरझाए हुए चेहरे हैं, उनके घरों से बाहर आ चुके हैं। ऐसा लगा था जैसे जल्जला आ गया है क्योंकि जो बमबारी हुई है वो काफ़ी हैवी वेपन यूज़ हुए हैं, उसमें भारी तोपखाना यूज़ हुआ है। क्योंकि ये इलाका कश्मीर के काफ़ी अंदर, ये रिसेंट अभी बम गिरा है, ये बम गिरा है, आप देख सकते हैं कि बम गिरा है, ये भी बम गिरा है रिसेंट, आप देख सकते हैं ये अभी रिसेंट फिर फायरिंग हुई है और ये तोपखाने का बम है, ये तोपखाने से गिराया गया है। अभी आप दुआ करें कि बस हमारा ये पहाड़ है साथ और अल्लाह ताला है, ये आसरा पहाड़ है और देख सकते हैं कि अभी यहाँ पे बम गिरा रिसेंट, एक और फायरिंग आई है, ये आप देख सकते हैं कि आवाज ये गरज रही है और ये काफ़ी नीचे आके गिरा है, ये काफ़ी डैम की साइड पे गिरा है आके, ये काफ़ी नीचे आके गिरा है, ये 30 किलोमीटर अंदर है सरहद से और आप देख सकते हैं कि ये 30 किलोमीटर तक अंदर तक आ रहे हैं, अब हम भारी तोपखाने से आ रहे हैं, अब हमें नहीं पता हम कहाँ जाएंगे, लेकिन आप जैसा देख सकते हैं कि अल्लाह ताला हमारा हामी और नासिर हो और उनका टारगेट लग तो यही रहा है कि टारगेट उनका ये है। अभी काफ़ी सारे लोग इधर से मूव कर रहे हैं, डरे हुए लोग हैं, भारी तोपखाने से फायरिंग की जा रही है और ये 30 किलोमीटर अंदर है पाकिस्तान का मेन मेगा प्रोजेक्ट नीलम जहलम हाइड्रो प्रोजेक्ट, उस पर बमबारी की जा रही है, तकरीबन 1000 मेगावाट का प्रोजेक्ट है, उस पर बमबारी की जा रही है और यहाँ चाइनीज़ कॉन्ट्रैक्टर हैं और अमेरिकन और जर्मन कंसल्टेंट्स भी यहाँ हैं ये प्रोजेक्ट। एक और बम आया है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम यहाँ से लीव कर रहे हैं क्योंकि यहाँ खड़ा होना कोई बहादुरी नहीं है, ये तो मौत के सामने जाने वाली बात है,